नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई महिला की मौत, ट्रैक्टर चालक को भीड़ ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। घटना प्रताप छात्रावास के करीब शांति पब्लिक स्कूल के सामने की बताई जा रही है। समझ से परे है कि यातायात विभाग के इतने सक्रिय होते हुए भी कैसे भसुए से भरा एक ट्रैक्टर शहर के अंदर घूम रहा था। आपको बता दें कि कलेक्टर के आदेशानुसार विगत माह की 22 तारीख से आज दिनांक 2 अक्टूबर के रात्रि 12 बजे तक शहर के अंदर बड़े वाहनों के आवागमन पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी धज्जियाँ उड़ती आपको और हमको सड़कों पर नजर आ रही थी। कलेक्टर के आदेश देने के बावजूद भी यातायात विभाग इस आदेश को धरातल पर पूरा नहीं कर सका। लगातार दिन में एवं रात में भारी वाहन शहर से गुजरते पिछले दिनों साफ देखे गए। इसी का नतीजा आज यह हुआ कि एक महिला ट्रैक्टर की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठी। यह सोचने लायक बात है कि यातायात विभाग चालानी कार्रवाई में तो सबसे आगे रहता है, नो पार्किंग से वाहन उठाने में भी यातायात विभाग के पास अच्छे नंबर उपलब्ध हैं, पर नो एंट्री में घुसती गाड़ियाँ कहीं ना कहीं यातायात विभाग को हमेशा मुँह चिढ़ाते हुए निकलती हैं। सूत्रों की माने तो यातायात विभाग के कुछ कर्मचारी इन बड़ी गाड़ियों को शहर में दाखिल होने के बदले उनसे अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं। ये शांति पब्लिक स्कूल स्पेशल आया मास्क ट्रैक्टर वाले ने। आपसी सद्भावना के साथ मनाया गया मुहर्रम का त्यौहार, शहर भर में निकले ताजिए, साथ ही अखाड़ों का भी हुआ आयोजन। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से लगातार शहर त्योहारों की रंगीनियों में रंगा हुआ था। पहले नवरात्र, फिर दशहरा और अब ताजियों की जगमगाहट ने शहर की फिजा में चार चांद लगा दिए। वहीं शहर भर में सभी त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाए गए। विगत रात भर ताजिए शहर का भ्रमण करते हुए सुबह होते ही ताजियों को सिंहवासा स्थित तालाब में ठंडा किया गया। साथ ही ताजियों के आयोजन को लेकर पुलिस बल भी चाक चौकन्ना रहा एवं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। सुरुचि क्लब के बैनर तले लगाया गया हैंडमेड आइटम्स का एग्जीबिशन कम सेल। यहां हाथ से बनाई हुई दीपावली की साज सामग्रियां कम से कम दामों में आपको मिल जाएंगी। सुरुचि क्लब के मेंबर ने बताया कि वह कई वर्षों से लगातार यह कार्य कर रहे हैं। साथ ही बताया कि इस तरह की सेल लगाने से उनका मकसद सिर्फ यह है कि जो महिलाएं अपने घरों में बुटीक वगैरह चलाती हैं उनके कार्यों को यहां से एक नई दिशा मिल सके एवं लोगों को कम दाम में अच्छी सामग्री उपलब्ध हो सके। हर साल दिवाली के उपलक्ष्य में ये एग्जीबिशन लगाते हैं, जहाँ विभिन्न
विभिन्न शहरों से लोग अपना सामान लेकर आते हैं। अभी हाल फिलहाल में जैसे ग्वालियर से स्टॉल्स आई हैं हमारे पास, इंदौर से आई हैं, उज्जैन से आई हैं, कुछ लोकल बनाकी भी हैं जो बहुत दूर दूर से कलकत्ता से, सूरत से, मुंबई से सामान लेकर आए हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का और रिजनेबल रेंज में यहाँ सामान मिलता है। महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनकी जो बुटीक जो घर में छोटे रूप में चलाती हैं उसको हम विस्तार देने के हिसाब से ही हमारा प्रोग्राम का आयोजन करते हैं और हर साल लगाते हैं हम और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। सारी चीज़ें हैंडमेड है, ये ना सब कुछ चार दिन में तैयार किया है। ये हैं और कैंडल हैं, ये पर्स हैं, बैग्स वगैरह, मतलब दिवाली के जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे। हुसैन टेकरी पर ताजियों की जियारत करने पहुंचे कलेक्टर एसपी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी। ताजिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि हुसैन टेकरी पर ताजिया हमेशा की तरह स्थान लेने पहुंचे। साथ ही उन्होंने बताया कि यह हुसैन टेकरी पर ताजियों का स्थान लेने का 121वां वर्ष रहा। वहीं कलेक्टर राजेश जैन, जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह सहित तहसीलदार इकबाल खान, SDM दिनेश शुक्ला सहित कई पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी ताजियों की जियारत के लिए हुसैन टेकरी पर पहुंचे। यहां सर्वप्रथम तो ताजिया कमेटी की जानिब से इन सभी अतिथियों का साफा बांध का स्वागत किया गया। तत्पश्चात सभी को ताजियों की जियारत कराई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर आज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने शास्त्री पार्क पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र लुब्बा ने महात्मा गांधी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए लोगों से अपील की। कांग्रेस परिवार द्वारा आज देश की आज़ादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान नारे के रचयिता स्वर्गीय लाल बहादुर जी शास्त्री की जयंती कांग्रेस परिवार द्वारा आज मनाई गई। आज इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने ये भी संकल्प लिया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिस विचारधारा ने हत्या की थी, उस विचारधारा के प्रति संघर्ष का आज और अधिक समय हर कार्यकर्ता के सामने, और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता नहीं बल्कि देश की आज़ादी में विश्वास रखने वाले, देश की आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी और हर क्षेत्र की आज़ादी में विश्वास रखने वाले जनों ने यह संकल्प लिया है कि महात्मा गांधी के द्वारा दिखाई गई विचारधारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिखाई गई विचारधारा और लाल बहादुर जी शास्त्री द्वारा दिखाई गई विचारधारा पे हम प्रत्येक कांग्रेस जन चल करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। भारतीय जनता पार्टी जिला गुना ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इन्हें याद किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अजीत लोधा को भी यहां भाजपा जनों द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि अजीत लोधा 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर गुना का नाम रोशन कर चुके हैं। अखिल भारतीय ग्वाल महासभा जिला गुना का सम्मान समारोह हुआ आयोजित। उक्त आयोजन स्थानीय मानस भवन में किया गया, जहां इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पन्नालाल शाक्य एवं विशेष अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा उपस्थित रहे। वहीं ग्वाल महासभा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले ग्वाल महासभा के कार्यकर्ताओं को यहां पर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्वाल महासभा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। पर क्यों मैं इस बात करूँ, आज तो विस्तार
विश्वास पैदा होता है शिक्षा से, आप जल संसाधन विभाग में क्लर्क भी है। उस महिला को गाड़ी करके, गाड़ी में रखकर 2000 किलोमीटर यात्रा करके गुना चाचौड़ा में लाई और उसके परिवार को, ये हिम्मत की बात है। वैसे तो हमारे समाज की महिला कहीं भी जाती है तो हिम्मत ही रखती है, फिर भी उन्होंने जो काम किया है वो बहुत साहसी काम है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूल कार्यक्रम के अंतर्गत निशुल्क चर्म एवं कुष्ठ रोग शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय के रेड क्रॉस भवन में किया गया। उक्त शिविर का आयोजन जिला स्वास्थ्य समिति गुना के तत्वाधान में किया गया, जहां बड़ी संख्या में कुष्ठ एवं चर्म रोग के मरीजों का यहां पर जांच की गई, साथ ही उन्हें दवाइयाँ भी यहीं से वितरित की गई। कुष्ठ रोग स्वच्छ रूप से नहीं चलता और उन्होंने कुष्ठ रोगियों की लगातार सेवा की, यही कारण है कि हम गांधी जी की जयंती पर और गांधी जी के जो साधन दिवस है 30 जनवरी, उन दोनों पे हम लगातार जो है हमारा डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।